साढ़े आठ या आठ 35 या 8:30 हो रहे होंगे, क्योंकि 9:07 पे मेरे पास कॉल आई थी, 9:07 या 9:10 पे वहाँ पे नीतू गया, तब मैं इधर आया था। हाँ, उन्होंने बोला मेरे को शौचालय जाना है, तो मैंने कहा चलो नीतू गया हो जाना, तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ। तो मैंने कहा चलो फिर तुम जाओ, मैं चला गया वहाँ, नीतू गया स्कूटी लेकर। कुछ नहीं बताया था, झूठ बोल के गई थी हमसे कि शौचालय जा रही हूँ। उसका फोन आया था, उन्होंने बुलाया था कि 2 मिनट के लिए मिल ले आके, तो साक्षी ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो उसने फिर बोला कोई नहीं 2 मिनट के लिए मिल ले, मैं कौन सा कुछ बोल रहा हूँ, तब वो गई थी मिलने। अपने घर पर भी नहीं रह रही थी, घर पे उसको घूमने फिरने का शौक था, घर पे वो रुकती नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी उसे बाहर नहीं जाने देती थी इस मारे। कब आया था वो? कल सुबह आया कहिया 4 बजे, और दोपहर को वो पुलिस आ गई कहिए, तो उसे यहाँ यहाँ पूछिए मेरा नाम लेके, मेरे बेटे का नाम लेके, अमन का घर यहाँ आ गए। वो आने पर उन्होंने गेट बजाया, गेट खोल दिया, बोले कि यहाँ साहिल आया है। मेरा लड़का बोला कि हाँ आएंगे, सो रहे वो का अंदर बैठक में, बोले भैया लाइट जलाओ यहाँ पर। उन्होंने उजीता कर दिया, तो पूछी उससे कहिए ही। अच्छा ये बताइए, साहिल ने एक लड़की की हत्या की है, आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी बेरहमी से उसको लाइट को मारा है? देखो सुनो, जैसे उसने करा है उसे ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। भाई मेरे भी आगे बेटी है, कल को मेरी बेटी मेरे संग में भी कर सकता है, जब उस बच्ची के संग में करा है उसका दिल खुल जाएगा, तो उसका दिल दबना चाहिए वहीं की वहीं। उसने जैसा करा है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए।